जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। साथियों, आज मैं किसानों के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो मांगे हैं सरकार से, उन मांगों को सरल भाषा के रूप में आप लोगों के सामने लेके आया हूं। साथियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर फसल पर एमएसपी नहीं देती है। सरकार ने कुल 24 फसलों को एमएसपी के दायरे में रखा हुआ है, जिसमें कुछ फसल रबी की फसल है, कुछ खरीफ की फसल है। उन फसलों में गेहूं, सरसों, गन्ना, बाजरा, कपास, धान और बहुत सारी फसलें उसमें शामिल हैं। आखिर एमएसपी है क्या और क्यों किसान बार बार एमएसपी को लेने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन या क्रांति करते हैं? तो बेहद ही सरल शब्दों में एमएसपी को समझने का प्रयास करते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका अर्थ है कि मान लीजिए बाजार में कोई फसल 15 रुपए किलो के हिसाब से बेची जा रही है, जबकि सरकार ने एमएसपी के तहत उस फसल का 20 रुपए मूल्य कर रखा है। तो किसान चाहते हैं कि जो 20 रुपए के मूल्य वाली जो फसल है, जो तय किया हुआ रकम है, उसी से किसानों की फसल को मुआवजा दिया जाए। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि जो मार्केट प्राइस में जो चीज जिस रेट में बिक रही है, वही उसका एक्चुअल मूल्य होना चाहिए। और किसान चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा मूल्य निर्धारित कर दे जिससे कम मार्केट में उसकी प्राइस ना हो और किसान उसी मूल्य से सब जगह या तो अधिक बेचे, कम से कम उसी मूल्य पर तो उसका सौदा हो। अब एमएसपी को निर्धारित करने का काम कृषि मंत्रालय के तहत एक संस्था होती है जिसका नाम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कस्टम एंड प्राइजेस, जो कि फसलों का पूरे भारत में मूल्यांकन करके उसका प्राइस निर्धारित करता है। नई कृषि नीति के तहत अभी 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ था, उसमें सरकार ने किसानों की कुछ मांगे मांगी थी और किसानों से वायदा किया था कि हम आपकी बाकी मांगों पर विचार करके आपको बहुत जल्दी इसका परिणाम देंगे। तत्काल में अभी 2 दिन पूर्व जो किसानों ने पुनः आंदोलन शुरू कर दिया, उसमें वो वही वायदे किए हुए चीज़ों को दोबारा से याद दिलाकर उन्हें लागू करवाना चाहते हैं। आखिर किसान किन मुद्दों पर और किस विषयों को लेकर इस बार आंदोलन कर रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला मुद्दा फसलों का एमएसपी निर्धारित करना। दूसरा, जो 2 साल पूर्व जो आंदोलन हुआ था, उसमें जो किसान शहीद हुए थे, उन किसान के परिवारों को मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी। अगला, कि उस आंदोलन में कई लोगों को सजा हुई थी, जेल जाना पड़ा था। किसानों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि जेल में रह रहे उन किसानों के ऊपर से सारे केसेस वापस लिए जाए और उन्हें सकुशल घर भेज दिया जाए। स्वामीनाथन रिपोर्ट, कृषि के ऊपर स्वामीनाथन एक आयोग गठित किया गया था जिसने एक रिपोर्ट दी गई थी, उस रिपोर्ट को चाहते हैं कि सरकार किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और उसे लागू करे। किसानों का एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि लखीमपुर हिंसा में जो दोषी थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें सजा अवश्य मिले। 60 साल के ऊपर के किसानों को 10,000 रुपये महीना पेंशन मिले। खेती में सुधार हेतु कीटनाशक, खाद,
रसायन बीज अधिक गुणवत्ता वाले कहां से आए, उसके लिए सरकार नई कृषि नीति लेके आए और उसे किसानों को प्रोवाइड कराए। 2020-21 में किसानों के आंदोलन की लीडरशिप राकेश टिकैत जी ने की थी और राम सिंह जी ने की थी। वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लीड जगजीत सिंह दल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर जी कर रहे हैं। एमएसपी के बारे में सबसे पहले 1966-67 में तत्कालीन सरकार ने इस प्रस्ताव को किसानों के लिए लेके आई। वर्तमान में किसानों के सामने बड़ी समस्याएं हो गई हैं, बिजली का बिल, पानी महंगा, खेतीबाड़ी महंगी, बीज महंगे, फसल महंगी और खाद महंगी, तो इन सब से कैसे राहत मिले। चूंकि किसान इस देश का अन्नदाता है और भारतीय अर्थव्यवस्था किसानों पर सबसे ज्यादा निर्भर है, तो ये हम सबका दायित्व बनता है, सरकारों का दायित्व बनता है कि किसानों की किसी भी भूमिका को, किसानों की किसी भी बात को हल्के में ना लें, उन्हें ध्यान से सुने, उनके कष्टों को सुने, वो क्या चाहते हैं उनके साथ मंथन करें और कुछ ऐसी नीतियां निर्धारित करें जिससे सरकार, आम आदमी और किसान और ये देश चारों ही खुश रहें और देश के विकास में बराबर के भागीदारी रहें। सारा दोष किसानों का नहीं, कुछ सिस्टम का भी है। मंडियों में जिस तरह दलाल प्रवृत्ति हावी होती जा रही है, उस दलाल प्रवृत्ति को भी खत्म करने के लिए सरकार को कुछ प्रयास करने चाहिए। कैसे एक छोटे किसान को अपनी फसल का उचित मुआवजा मिले, उचित प्राइस मिले, ये व्यवस्था सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और सरकार को करनी चाहिए और सरकार मेरे ख्याल से कर भी रही होगी। कुछ गलतियां होती हैं लेकिन सरकार और किसान आपस में मिल बैठकर उन सब पर मंथन करके एक ऐसा परिणाम निकालें जो इस देश के लिए बहुत अच्छा हो और विश्व में हमारा संदेश भी जाए कि इस देश में किसानों की सुनवाई बहुत जल्दी और आसानी से सरकारें करती हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से, किसानों से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो कुछ निर्णय आप लोगों को चाहिए उसे मिल बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से हल करें और एक ऐसा समाधान निकालें जो आपके भी हित में हो और सरकार को भी उससे परेशानी ना हो। किसी भी क्रांति का, किसी भी आंदोलन का, किसी भी सत्याग्रह का नतीजा हिंसा नहीं होनी चाहिए। सरकार को भी इन किसानों के प्रति दयालुता रखनी चाहिए और जो लाखों किसान जो इन आंदोलनों में शामिल हो रहे हैं उनकी परेशानियों को समझना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। किसान बिना इस देश में कुछ नहीं है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने कहा था और उन्होंने एक बेहद संवेदनशील और क्रांतिकारी नारा भी दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अब विज्ञान की नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा और सरकार की नई नई स्कीमों के द्वारा आप प्लीज किसानों के हित में कुछ निर्णय अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय किसान, जय अन्नदाता, जय भीम साथियों।